गुरकृपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और हम समय का फायदा उठाते हुए अपने क्वेश्चंस आंसर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। वो मैंने इसमें एक सीरीज के अंदर चेंज किया है। वो चेंज ये है कि कुछ डाउट मेरे को भी हैं जो मैं भी उनके आंसर एक्सपीरियंस होल्डर हमारे दर्शकों से चाहता हूँ। तो आज का मैंने एक वीडियो में कहा था कि जो हमारे मुर्रा भैंसों के मिल्किंग कंपटीशन होते हैं, इनके अंदर वेट का कोई ध्यान नहीं किया जाता। यानी कि 400 किलो की भैंस भी उसी सीरीज में आ रही है और 800 किलो की भी उसी सीरीज में आ रही है, और उनका मिल्किंग कंपटीशन करवाया जा रहा है। लेकिन अगर उसको बारीकी से सोचें तो 400 किलो वाली की डाइट और 800 किलो वाली की डाइट में लगभग डबल का फर्क। तो 800 किलो वाली को जो प्रॉफिट मालिक को कमाई देनी चाहिए वो नहीं दे पा रही है, लेकिन कंपटीशन में वो जीत जाती है कि वो एक आध किलो भी अगर दूध उसके नीचे ज्यादा होता है। इसके लिए मैं सुझाव दे रहा था कि इसके अंदर कैटेगरी लगाई जाए, जिस तरीके से हमारे रेसलर के अंदर लगती है, यानी कि 450, 400 किलो, 400 से 500 किलो इस टाइप से, या 700 से 800 किलो बड़ी हैं तो उस हिसाब से इसकी अलग अलग सीरीज होनी चाहिए। तो मैंने अपने दर्शकों से सुझाव मांगे कि भाई आपके सुझाव क्या हैं। तो मेरे पास में दर्शकों के काफ़ी सुझाव आए हैं। तो एक सुझाव आया है हमारे पास में, जिला तरन तारण साहब पंजाब, जोरावर सिंह जी का, उनका सुझाव सुनिए। हाँ जी भाजी, सत श्री अकाल जी। जिला तरन तारण पिंड कंग, नाँ जोरावर सिंह। तो भाजी तुसीं जिहड़ा ये सवाल किया, ये बहुत ही वधिया सवाल आ। तो मैं इस सवाल दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ। जिहड़ा तुसीं कहा कि बफैलो का वेट होना चाहिए, तो मिल्क कॉम्पीटिशन दे विच फेर जाना चाहिए, तो उहदे विच मैनूं तुहाडा ये सवाल बहुत चंगा लगा। तो मैं तुहाडे सवाल दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि जिस तरह तुसीं गल की है कि 400 तो लैके 800 किलो तक वेट दे विच कॉम्पीटिशन वालियां बफैलो होंदियां है। तो वो जिहड़ा जिहड़ी एक 400 किलो वाली है, तो एक 800 किलो वाली वेट वाली जिहड़ी बफैलो आ, उहदा ते उहदा कोई कॉम्पीटिशन दोवां दा रल के नहीं बनता। हाँ, जिदा तुसी वेट की गल की आ, वो वेट दे विच उस कॉम्पीटिशन नूं करवाया जाए तो मतलब बहुत वधिया गल आ। ते इहदे नाल हरेक जिमीदार किसान नूं बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं चाहुंदा आ, जानी कि मेरी ये दिली तमन्ना है कि तुसी इस सवाल नूं हरेक कॉम्पीटिशन जिथे भी अपने बफैलो का कॉम्पीटिशन होंगे, जगरावां हरियाणा चाहे मुकसर जिथे भी होंगे है, हरेक थां ते तुसी इस सवाल नूं जे मतलब अपना कानून बना के इन्हां दायरियां दे विच खड़ा कर सको तो बहुत ही शलाघाजोग ते बड़ी तकड़ी गल होगी। तो मैं इस चीज़ दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ। तो मैं चाहना भी हाँ कि ये चीज होवे, क्योंकि उहदा एक कारण है कि जिहड़ी 450 तो लैके 500 किलो वाली बफैलो आ, तो एक 700 तो लैके 800 किलो वाली बफैलो आ। जिहड़ी 700 तो लैके 800 किलो वाली बफैलो, उहनू मतलब 15 लीटर दुध आ, जां आपां 20 लीटर दुध लाउने आ, उहदे वास्ते नॉर्मल गल आ। ते जिहड़ी 400 तो 450 जां 500 किलो तक आ, उह 700 किलो वाली दे नाल कॉम्पीटिशन नहीं कर सकदी। ते उह उहदे वेट दे नाल जिद्दां तुसीं रखदे आ 450 किलो वाली का वेट आ जिहड़ा, वह इन्ना मिल्क दूगी तो वह कॉम्पीटिशन च जित प्राप्त कर सकती है, जां 800 किलो वाली इन्ना दूगी तो फिर वह जित प्राप्त कर सकती है। जे तुसीं इदां दा कोई रेगुलर अपना रूल तुसीं चालू करते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल नूं तसल्ली दे मतलब मैं चाहुंदा कि यह काम होना चाहिए। तो जरूर तुसीं ये मतलब हर एक मंडी दे विच लाओ, जां कॉम्पीटिशन दे विच लाओ, हर एक थां ते ये अपना सवाल आ जिहड़ा उहनूं मतलब एक मुद्दा बना के पेश करो। तो तुहाडी आवाज़ आ जिहड़ी वह हर एक बंदा सुणदा है, तो हर एक बंदे दे हो सकदा भी मतलब उहनूं ये गल चंगी भी लगे तुहाडी, तो मैनूं बहुत चंगी लगी आ। तो मैं इस गल दे नाल दिलों ते दिमाग तो सहमत हाँ तुहाडे नाल जी। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्नवाद तुहाडा। मतलब तुसी इन्ने सोहने सोहने सुझाव सानू दिने आ, ते अजकल दे मतलब सानू नौजवानां नू मतलब खास करके मेरे अर्गे बंदियां नू बहुत ही चंगा लगदा तुहाडे ये सवाल। मैं हर तुहाडा सवाल सुनदा हां। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल और आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।